कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। लोअर बाजार में बात करते हैं अगर टीएमटी सरिये के बारे में, तो टीएमटी सरिये में बाजारों में आज एक स्थिरता देखी गई है। बाजारों में जो कीमतें हैं ना उसमें ज्यादा तेजी देखी जा रही है और ना ही ज्यादा मंदी देखी जा रही है। लेकिन अगर इंगट की बात करी जाए तो इंगट में कल के दिन प्रॉफिट बुकिंग आने की वजह से जो नरमी देखी गई उस नरमी पर आज विराम लग चुका है और दोबारा से बाजारों में हल्की फुल्की रिकवरी के साथ कारोबार हो रहा है। किस तरह की कीमतें टीएमटी सरिये में आज चल रही हैं, इस बारे में हम लोग खबरों में आगे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। खबरों में आगे बात करेंगे मंडी गोविंदगढ़ में भारतम कंपनी सहित कुछ अन्य कंपनियों की आज की कीमतों के बारे में, साथ ही बात करेंगे इंगट और स्क्रैप की आज की कीमतों के बारे में, जानेंगे किस तरह के कारोबार और ट्रेंड बाजारों में आज के दिन चल रहा है। मगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर कीजिए। तो कीमतों के बारे में अगर बात करी जाए तो जैसा कि आपको शुरुआत में बताया कि स्थिरता के साथ कारोबार देखा जा रहा है, तो ज्यादा उतार चढ़ाव आज कंपनियों की कीमतों में नहीं देखा गया है। भारतम कंपनी का जो आज का रेट चल रहा है वो 58,700 रुपए पर स्थिर देखा जा रहा है। कामधेनु कंपनी की टीएमटी सरिये का रेट 66,051 रुपए चल रहा है। K2 कंपनी में टीएमटी सरिये की जो कीमतें हैं वो 65,181 रुपए देखी गई हैं। ज्योति कंपनी में टीएमटी सरिये का आप रेट 62,212 रुपए देखकर चल सकते हैं। ज्ञान कंपनी के बारे में बात करते हैं, टीएमटी सरिये की कीमतें 64,100 रुपए चल रही हैं। फॉर्च्यून कंपनी में जो टीएमटी सरिये का रेट देखा गया है वो 66,999 रुपए है। प्रबल कंपनी की कीमतें 65,001 रुपए बाजारों में देखी जा रही हैं। दोआबा कंपनी की कीमतें बाजारों में 69,300 रुपए हैं। दीपक कंपनी का रेट बाजारों में 58,200 रुपए देखा जा रहा है। जय भारत कंपनी की कीमतों के बारे में अगर बात किया जाए तो जय भारत कंपनी में टीएमटी सरिये की कीमतें 62,100 रुपए चल रही हैं। शेर ए पंजाब कंपनी में टीएमटी सरिये का रेट आप 66,011 रुपए देख कर चल सकते हैं। इसके अलावा अगर अंबा कंपनी के बारे में बात करते हैं तो स्थिरता के साथ कारोबार यहाँ पर भी देखा गया है। 60,800 रुपए अम्बा कंपनी में टीएमटी सरिये का आज का रेट चल रहा है। हमने आपको जितनी भी कीमतें बताई हैं ये सभी लोकल मिल की टीएमटी सरिये की कीमतें हैं। अब बात करते हैं इंगट और स्क्रैप के बारे में, तो कल जो लेवल 52,000 मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। 52,500 के आसपास इंगट में देखा जा रहा था, वहां से आज रिकवरी देखी गई है। बाजार खुलते ही बाजारों में इंगट में आज अच्छी खासी रिकवरी आई। मंडी गोविंदगढ़ में एमएस इंगट का जो लेवल अभी आप देख सकते हैं वो 53,000 रुपए चल रहा है। 200 रुपए तक की तेजी के साथ बाजारों में कारोबार हो रहा है। एमएस स्क्रैप की कीमतें भी 41,500 के पार आ चुकी हैं। 42,000 इसका लेवल बाजारों में चल रहा है। तो जब बाजारों में 50,000 का लेवल इंगट में देखा जा रहा था तब से हमने आपको गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह दी है और बाजारों में जो एक स्टेबिलिटी के साथ कारोबार देखा जा रहा है उसको देखते हुए अभी भी गिरावट पर खरीदारी करने के लिए अच्छा टाइम चल रहा है और एक रेंज में ही आपको कारोबार देखने को मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा 100 से 200 रुपए तक की तेजी आएगी और अगर बाजार में कहीं नरमी आती है तो उतनी ही नरमी बाजारों में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन गिरावट पर खरीदारी आप करते हुए जरूर चलिए। इंगट को देखते हुए आप टीएमटी सरिये में और स्क्रैप में भी गिरावट पर खरीदारी करके चल सकते हैं। ओवरऑल बाजारों के ट्रेंड के बारे में बात करते हैं तो ट्रेंड इस वक्त के लिए पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।